हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो पार्ट है, मेन पार्ट, वो किसके नाम से है? मोल कॉन्सेप्ट के नाम से है। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है वो देखते हैं। तो पहला आपको मोल कॉन्सेप्ट में जो पढ़ना पड़ेगा वो होता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। ठीक है ना, देखिए जो हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है ये किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वन मोल सब्सटेंस में कितने आपके एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ आ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं ये शो करता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। और इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है एवोगाड्रो वैल्यू, अगर हम लिख देते हैं एवोगाड्रो नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड एट एज एन ए। एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा, 6.022 × 10³। अब इसके रिस्पेक्ट में आप मोल आयन जो भी है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है एवोगाड्रो नंबर। हम बात करते हैं मोल की, कि मोल क्या होता है। तो अब देखिए, जहाँ तक मोल की बात की जाती है तो इसे किसने दिया था, साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड, उन्होंने ही बताया था इसके बारे में। तो इट वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड इन 1896। ठीक है, मोल के बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट हैं ओस्टवाल्ड, जिन्होंने 1896 में मोल के बारे में बताया था। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हीप और पॉइल। मीनिंग क्या होगा, हीप और पॉइल। ठीक है ना, मतलब ढेर। ठीक है, ग्रुपिंग से मतलब होता है। ठीक है ना, और मोल क्या होता है, ये एक एसआई यूनिट होती है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट की। तो आप कह सकते हैं मोल ऑफ दी एसआई यूनिट विच गिव्स अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो मोल क्या हो जाता है, मोल किसी सब्सटेंस के अमाउंट की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है, जो हमारा मोल होता है ये C12 कार्बन। देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। तो हमको C12 वाला चाहिए। तो C12 कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट हैं
इनको कौन बताता है? यही शो करता है मोल को। तो आप कह सकते हैं ए मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स आर दियर आर टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, मतलब क्या होता है मोल? क्या होता है मोल? C12 कार्बन एटम में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वही उसकी मोल होती है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं वन मोल किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम। वन मोल इज द टोटल नंबर ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। ठीक है ना, मतलब एक मोल क्या होता है 12 ग्राम C12 एटम में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग मोल कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए एक मोल में कितने एटम होते हैं जनरली। देखिए वन मोल में 6.022×10^23 पार्टिकल्स होते हैं जो कि एवोगाड्रो नंबर होता है। तो आप कह सकते हैं वन मोल ऑलवेज कंटेन्स 6.022×10^23 पार्टिकल्स। ठीक है ना, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, और ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है ना, ये सब हो सकते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सपोज हमें लिख दिया कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, अब देखिए हाइड्रोजन एटम के एक मोल में कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के ये पता करते हैं। तो इसमें होंगे 6.022×10^23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब एक मोल हाइड्रोजन एटम में 6.022×10^23 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। अब अगर मान लेते हैं हम आयन की बात कर लें, वन मोल ऑफ K+ आयन पोटेशियम आयन, तो वन मोल ऑफ पोटेशियम आयन में कितने आयन होंगे? ये होंगे 6.022×10^23 पोटेशियम आयन होंगे। ठीक है, या हम बात कर लें मॉलिक्यूल्स की, वन मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022×10^23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, तो ये आपके क्या होंगे? मोल होंगे। देखिए बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रो नंबर पढ़ा, देन मोल क्या होता है। ठीक है, किस कहाँ से ये वर्ड आया है, लैटिन वर्ड है ये, तो ये सब आपको बताया गया। फिर यूनिट के बारे में बताया गया कि मोल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की यूनिट होती है। देन आपको डेफिनेशन के बताया गया। ठीक है ना, और डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल। तो बेटा अब आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।
वीडियो।